नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग आए दिन किसी न किसी डिवीज़न में पोस्टर निकालता ही जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की हुई थी कुल्लू अन्नी की, जिसमें 26 पोस्टें वहां पे निकाली हुई थी तीन अलग अलग कैटेगरी में। उसी तरह यहां पर आज हम जिस डिवीज़न की बात करने जा रहे हैं उसमें भी 26 पोस्टें निकाली हुई हैं। उसमें तीन प्रकार के अलग अलग कैटेगरी में 26 पोस्टें बांटी गई हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे वीडियो में। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने अंब डिवीज़न और धर्मशाला डिवीज़न में भी 20 से 25 पोस्टें इन्हीं तीन कैटेगरी पे निकाली गई थी। तो जल्द ही शायद आपके एरिया में भी, आपके डिवीज़न में भी पोस्टें आ सकती हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, जिस जिस डिवीज़न में पोस्टें आती जाएंगी उसे हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। आज जिस डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं वो है सुंदरनगर, जिसमें 26 पोस्टें आई हुई हैं। सुंदरनगर डिवीज़न में जल शक्ति विभाग की 26 पोस्टें आई हुई हैं, वो भी तीन कैटेगरी में, जैसे पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टी टास्क वर्कर में। जो कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि सभी के लिए 6,300 रुपये पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज़ के लिए 5,000 रुपये रहने वाले हैं। अगर हम पैराफिटर पैरा पंप ऑपरेटर की बात करें तो 6 पोस्टें हैं, जिसमें 4 जनरल के लिए, एससी के लिए एक और ओबीसी के लिए एक। इसके लिए कैंडिडेट की एज 18 से 45 होनी चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+ ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक और मोटर मैकेनिक। पंप मोटर कम मैकेनिक में उनकी ITI होनी चाहिए। और दूसरी पोस्ट की हम बात करें तो पैराफिटर की, जिसमें 4 पोस्टें आई हैं, वो चारों की चारों जनरल की पोस्टें हैं, जिसमें 10+ ITI चाहिए। प्लम्बर और फिटर की ITI चाहिए, जिसमें 18 से 45 एज रहेगी और इसके सैलरी भी 6,300 रुपये ही रहेगी। अगली पोस्ट की हम बात करें तो अगली पोस्ट है मल्टीपर्पज़ वर्कर, जिसमें 5,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। और SC के लिए 3 पोस्ट, OBC के लिए 2, EWS के लिए 1 और जनरल के लिए 10 पोस्ट, यानी कि 16 टोटल पोस्टें हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए, जिसमें 5,000 सैलरी रहने वाली है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें 8th क्लास, जिसमें कोई भी ITI वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि ITI के लिए 10th चाहिए होती है। तो इन्होंने यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th रखी हुई है, जिसमें 18 से 45 एज वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा फिर से एक बार क्लियर कर देता हूँ कि यह जल शक्ति डिवीज़न सुंदरनगर की पोस्टें निकाली गई हैं, जिसमें आप सुंदरनगर की डिवीज़न में ही अप्लाई कर सकते हैं, कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने पहले से सुंदरनगर डिवीज़न में अप्लाई किया होगा तो आपको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया है। इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 3/10/2024, यानी कि 3 अक्टूबर 2024 के शाम के 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जल शक्ति विभाग के डिवीज़न में, अपने डिवीज़न में जाके वहाँ से फॉर्म लेके इनको सबमिट करके 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 3/10/2024 तक। इसके बाद ये पोर्टल बंद हो जाएगा। और जिन लोगों ने इलेक्शन से पहले अप्लाई किया होगा उनको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने अपना कैटेगरी वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो उनको जाके अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।